आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, एक बड़ी शंका, एक दुविधा बनी रहती है, कभी कोई तीज है, कोई पर्व है, कोई त्यौहार है, कोई व्रत है, तो जब सामने ये आता है कि एक नहीं दो दो तिथियां आती हैं, है ना, कोई शंका में डाल देता है कि नहीं आज है, कोई कहता है कल है, कोई कहता है आज है, ये एक बड़ा एक भ्रम सब बना रहता है। ऐसा विविधता क्यों है, ये डाइवर्सिटी क्यों है, ये विरोधाभास क्यों है, अगर पंचांग एक हैं, क्योंकि तिथियां तो एक ही हैं, देखिए अगर हम हिंदू अपने कैलेंडर को मानते हैं, तो ये विरोधाभास क्यों है, ये पंचांगों का जहाँ पे ये इस टाइप का जहाँ विरोधाभास है क्यों है, दो दो तिथियां क्यों हैं। देखिए, अनुराग शर्मा पंडित हमारे ये बड़े हमारे स्नेही मित्र, ये हमें कहीं कोई शंका होती है इस टाइप की, संस्कृत विश्वविद्यालय के ये छात्र हैं, कुछ इस टाइप की शंकाएं होती है तो मैं इनसे पूछता रहता हूँ। देखिए, बता रहे हैं क्या कहते हैं, देखिए ये इस विषय में कि क्यों ये दो दो तिथियां इस टाइप की आती हैं, क्या इसके कारण हैं। और अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल देखिए छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। देखिए सुनिए क्या कहते हैं अनुराग शर्मा जी। नमस्कार, जय माता की। आज पुनः गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से एक श्रेष्ठ ज्ञानवर्धक और आनंदवर्धक विषय पर चर्चा की जाएगी। आज हम जानेंगे कि ये जो पर्व हैं, जो भी हमारे मुख्य त्यौहार आते हैं, उन त्यौहारों में सदैव संशय की स्थिति क्यों बनी रहती है। अगर आप दीपावली का त्यौहार ले लें, रामनवमी ले लें, दशहरा ले लें, या होली ले लें, कृष्ण जन्माष्टमी ले लें, इन मुख्य त्योहारों में सदैव एक संशय की स्थिति बनी रहती है कि जी तिथि का निर्धारण कैसे किया जाए, किस दिन हम उसको लेकर व्रत करें, किस दिन उस व्रत का उद्यापन करें, किस दिन जो गृहस्थी लोग हैं, जो स्मारत लोग हैं, जो वैष्णव लोग हैं, वो किस दिन इसका निर्धारण किस विधि से करें। क्या शास्त्रों में इसका कोई मुख्य आधार दिया हुआ है इसके निर्धारण का, कि बड़ी आसानी से हम इसे समझ सकें। जी हाँ, आपका ये प्रश्न सुनकर मुझे भी बहुत गौरव हुआ और आनंद की प्राप्ति हुई कि हमारे परिवार के सदस्य इस गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं। तो आइए इस आसान विधि से इसको समझते हैं, जिससे कि आप भी इस विषय को आगे लोगों तक पहुंचा सकें। तो आइए जानना आरंभ करते हैं इस विषय के बारे में। उससे पहले, अगर आप लोग ज्योतिष की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तु की गहराइयों में गोते लगाना चाहते हैं, या नंबर्स का अपने जीवन में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस विषय में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस परिवार से अवश्य जुड़िए, क्योंकि इसमें हम इसी तरह की ही ज्ञानवर्धक बातें करते हैं, इसी विषयों पर जानकारी प्राप्त करते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में बैठे ग्रह किस तरह से आपको प्रभावित करते हैं। तो अगर आप भी इस विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या आपको भी इनमें इंटरेस्ट है, तो आप हमारे इस परिवार सर्वमंगल ज्योतिष का हिस्सा अवश्य बनिए। तो आइए जानना आरंभ करते हैं आज के श्रेष्ठ और ज्ञानवर्धक विषय के बारे में, कि पर्वों का निर्धारण कैसे किया जाए। आपने बहुत से विषयों में इस बारे में सुना होगा, बहुत से बड़े बड़े श्रेष्ठ व्यक्तित्वों से इस बारे में सुना होगा। तो आइए आज आपके ज्ञान में थोड़ी और अभिवृद्धि की जाए। इनके जो दो मुख्य आधार हैं, मतांतर के जो दो मुख्य आधार हैं, वो ये हैं कि एक है वेदीय परंपरा और दूसरी जो बनती है वो बनती है स्मारत और वैष्णव परंपरा। अर्थात इससे हमें क्या पता लगा और कैसे पता लगेगा, ये जान लेते हैं जी। जो वेदीय परंपरा है उसके अंतर्गत दो वेद आ जाते हैं मुख्य रूप से, जो परंपराएं अभी भी चलती आ रही हैं, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो जो ऋग्वेदीय वाले हैं वो इस ऋग्वेद की परंपरा का पालन कर उसी का अनुसरण कर उन्हीं के आधार पर पर्वों का निर्धारण कर स्वयं व्रत धारण करते हैं, उन्हीं के आधार पर त्योहारों को मनाते हैं। और जो यजुर्वेदीय परंपरा वाले हैं वो उसी का आधार लेते हैं। तो ये तो एक मुख्य डाउट हो गया कि जो हमें तिथि का निर्धारण करना है वो कैसे किया जाए। अगर आप इन दो परंपराओं से जुड़े हुए हैं तो आप इनके अकॉर्डिंग चलिए, वो सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा और वही आधार सबसे उचित रहेगा। अब आपके और हमारे लिए ये बात थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ऋग्वेदीय और यजुर्वेदीय परंपरा से आप और हम लोग नहीं जुड़े होंगे। मैं तो खैर जुड़ा हूँ, लेकिन जो हमारे परिवार के मुख्य सदस्य हैं बाकी, उन लोगों के लिए जो मुख्य गृहस्थी लोग हैं, उन लोगों के लिए इस परंपरा का अनुकरण करना थोड़ा मुश्किल है। तो उनके लिए शास्त्रों में क्या है जी, आप लोगों के लिए स्मारत और वैष्णव दो मुख्य आधार और दिए गए हैं, जिसके आधार पर जो हमारी
गवर्नमेंट है वो भी डिसाइड करती है कि कौन सा पर्व कब मनाया जाएगा। अब वो कैसे देखिए, स्मार्तानाम ग्रहीणाम पूर्वो पोष्यायतिर्भिहि निष्काम ग्रहीभिः वनस्थैः विद्वाभिर्वैष्णवैश्च परैर्वो पोष्या धर्म सिंधु। अर्थात जो तिथियों के जो मुख्य आधार होते हैं, इसमें धर्म सिंधुकार ने दो मुख्य उदाहरण दिए। आप लोगों की बहुत डिमांड रहती है कि जो भी आप श्लोक कहते हैं कृपया आप उन्हें स्क्रीन पर अवश्य दिखा दीजिए, कि जिससे हम लोग भी, बाकी जो हमसे कोई पूछे तो हम उसे भी इसका उदाहरण दे सकें। तो आज आप लोगों के ही डिमांड पर मैंने इसे स्क्रीन पर भी दिखा दीजिए। आइए इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। विशेष रूप से जो धर्म सिंधुकार है, ये धर्म सिंधु से लिया गया है, उसमें साफ साफ वो कहते हैं कि जो अष्टमी तिथि है, एकादशी तिथि है, जो हमारे मुख्य पर्व हैं, उनमें जो भेद होता है वो वैष्णव और स्मारत के कारण हो जाता है। ये दो हमारे में मुख्य स्तंभ हैं हमारी भारतीय संस्कृति के, स्मारत और वैष्णव। स्मारत लोग कौन होते हैं पहले ये जान लेते हैं। स्मारत लोग हुए आप और हम, जो गृहस्थी लोग हैं, जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, जिन्होंने श्रुति स्मृति आदि धर्म ग्रंथों से इस ज्ञान को प्राप्त किया है। क्योंकि हमारी जो वैदिक परंपरा रही है वो कभी भी रिटन डॉक्यूमेंट्स पे आधारित नहीं थी। हमने अपने गुरु से सीखा, आगे हमारे शिष्यों को सिखाया, ये हमारी परंपरा का मुख्य आधार था। तो ये तो हो गए मुख्य रूप से स्मारत लोग, जो गृहस्थी कहलाते हैं। अब जो वैष्णव लोग हैं, जिन्होंने किसी गुरु से दीक्षा प्राप्त की है इस चीज को लेकर के, जिन्होंने एक गुरु मंत्र विशेष रूप से प्राप्त कर रखा है, वो उसी का जाप करते हैं, जो ललाट पर तिलक लगाते हैं, त्रिपुंड धारण करते हैं, चंदन लगाते हैं और विशेषकर गले में माला पहनते हैं, कंठी धारण कर रखी है जिन्होंने, वो मुख्य रूप से वैष्णव कहलाते हैं। अर्थात कई लोग इसे विष्णु धर्म का अनुसरण करने वाला भी मानते हैं, लेकिन वैष्णव इससे थोड़ा सा और गूढ़ है, आप इसे इतनी आसानी से नहीं समझ सकते, थोड़ा और आगे आ जाते हैं। ये तो दो इसके मुख्य भेद हो गए। इन्हीं के आधार पर जी पर्वों में भिन्नता आ जाती है, क्योंकि वैष्णव लोगों के लिए वो पर्व शास्त्रों में ही अलग दिया हुआ है और स्मारत लोगों के लिए वो पर्व मनाना शास्त्रों में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। अब वो कैसे, आइए एक श्रेष्ठ उदाहरण से इसे समझ लेते हैं। अभी जो हमारे सबसे निकट जो त्यौहार आ रहा है वो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार। अब इसके उदाहरण से हम और आप जानेंगे कि तिथि का निर्धारण कैसे करें। बहुत ध्यान से और बहुत मन लगाकर इसे सुनिएगा, क्योंकि आज के बाद आपको भी तिथि निर्धारण में, पर्व निर्धारण में तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो मेरा दावा है। अब देखिए, जो आप और हम हैं स्मारत लोग, उन लोगों के लिए शास्त्र कहता है कि पूर्वः, अर्थात जो पूर्व की तिथि होती है, अष्टमी हमें मनानी है, कृष्ण जन्माष्टमी हमें मनानी है, तो अब हम व्रत कैसे करें। जी आप और हम लोग जो व्रत करेंगे उसमें सप्तमी ऐड होगी। बहुत कमाल का रहस्य है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो आपको और हमें मनानी है उसमें एक पहले की तिथि को ऐड कर मनाया जाता है, और जो बाद के वैष्णव लोग हैं उनके लिए एक बाद की तिथि है। अब जैसे एकादशी है, कई बार एकादशी में भी बहुत डाउट हो जाता है, तो अगर हमें एकादशी का व्रत करना है और हम हैं गृहस्थी लोग, तो हम उसको दसवीं मिश्रित मानकर कर लेंगे। दसवीं को हम स्टार्ट कर देंगे, एकादशी जब पूरी होगी तब हम उसका उद्यापन कर देंगे। अब वैसे ही कृष्ण जन्माष्टमी है, हमें वो मनानी है, तो जी जब अष्टमी और सप्तमी होगी, अर्थात सप्तमी मिश्रित जो अष्टमी होगी, उस दिन तो स्मारत लोग इसका अनुकरण करेंगे, उस दिन भगवान कृष्ण को स्मारत लोग मनाएंगे। और जो वैष्णव लोग हैं वो द्वादशी, माफ कीजिएगा, जो स्मारत लोग हैं वो नौमी पे चले जाएंगे, अर्थात अष्टमी प्लस नौमी इक्वल्स टू वैष्णव, सप्तमी प्लस अष्टमी इक्वल्स टू स्मारत लोग। तो ये एक मुख्य और श्रेष्ठ जानकारी थी जो मुझे लगता है आपको भी समझ में आ गई होगी। अब मुझे आशा है कि आप लोग भी पर्व का निर्धारण उतनी ही आसानी से कर पाएंगे जितनी आसानी से मैंने इसे समझाने का आपको प्रयास किया है। अगर अभी भी 1% डाउट भी मन में रह जाता है, तो मैंने अपने इस परिवार में, जो आपने अभी लिंक देखा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जहां आपने अभी लिखा देखा, इसमें मैंने बहुत इसको बृहद रूप से एक्सप्लेन किया है कि धर्म सिंधु में इसका क्या आधार है, निर्णय सिंधु में इसका क्या आधार है, अग्नि पुराण में इसके क्या आधार दिए हुए हैं। इस विषय को मैंने और गहराई से वहां समझाया है, और यहां मैंने इसे आसानी से और सूक्ष्म रूप देकर आपको समझाने का एक प्रयास किया है कि जी हम लोग जो हैं
वो मुख्य रूप से स्मारत परंपरा के हैं, और हम लोग एक जो पूर्व की तिथि है उसका अनुकरण कर कर जो मुख्य तिथि है उस तक पहुंचेंगे, और जो वैष्णव लोग हैं जो संन्यास प्राप्त कर चुके हैं, वैष्णव और संन्यास अलग अलग है, आप इसको एक मत बनाइएगा, जो वैष्णव और संन्यासी लोग हैं वो जिस दिन जो त्यौहार है उसकी अगली तिथि को उसमें ऐड कर कर मनाएंगे। अर्थात आप समझ चुके हैं स्वयं ही। अब इसी तरह से ही मैंने कृष्ण जन्माष्टमी का उदाहरण आपको दिया। अब इसका मुहूर्त कब से शुरू होगा, कब इसका मुहूर्त पूर्ण होगा, इस दिन कौन सी राशि वालों को कौन सा श्रेष्ठ उपाय करना चाहिए, कैसे भगवान श्री कृष्ण को मनाएं, इन सब विधाओं पर मैंने इस परिवार में श्रेष्ठ जानकारी को दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर जाकर इसे देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही गूढ़ विषयों पर चर्चा के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय माता की।